भारतीय जनता पार्टी एवं हरियाणा जनित कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा राज्य में कांग्रेस की राज्य सरकार के भ्रष्टाचार एवं घोटालों के विरुद्ध जनता की आवाज को उठाने के लिए परस्पर सहमति द्वारा संयुक्त रूप से संघर्ष करने के लिए गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों पार्टियों के गठबंधन ने यह तय किया है कि हरियाणा में निजी हितों वाली भ्रष्ट सरकार की नीतियों को उजागर करना एवं हरियाणा की जनता की भावनाओं के अनुसार एक पारदर्शी, उत्तरदायी व सुशासन वाली सरकार को स्थापित करना दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है। हरियाणा की वर्तमान परिस्थितियों में दोनों पार्टियों ने जन जागरण हेतु संयुक्त अभियान एवं समन्वय समिति बनाने का फैसला किया है। चलो इसके बाद पॉइंट्स पर आ जाता हूँ। आगामी हिसार लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं हरियाणा जनित कांग्रेस पूर्ण एवं बिना शर्त हरियाणा जनित बीएल के उम्मीदवार को लोकसभा सीट के लिए पूर्ण रूप से सहयोग एवं समर्थन करेंगे। राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में विधानसभा की सभी सीटों पर बराबर संख्या में दोनों दल अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। विधानसभा की सीट अनुसार बंटवारे की चर्चा इस हार लोकसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियां द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर की जाएंगी। आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात गठबंधन के विजयी होने की स्थिति में पहले ढाई वर्ष सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा जनित कांग्रेस बीएल के नेता कुलदीप बिश्नोई होंगे तथा उप मुख्यमंत्री बीजेपी के मनोनीत करेंगे। आगे के ढाई वर्ष की सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी द्वारा मनोनीत नेता एवं उप मुख्यमंत्री के रूप में हजका द्वारा मनोनीत नेता करेंगे। गठबंधन द्वारा संचालित सरकार के सभी सत्रों पर दोनों पार्टियां बराबर की भागीदार रहेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 8 लोकसभा सीटों पर तथा भाजपा 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। सीटों का चयन दोनों पार्टियों की आपसी सहमति पर के आधार पर किया जाएगा। ये पॉइंट पे मैं थोड़ा विस्तार पे आऊंगा। राज्य के बीच में होने वाले उपचुनाव पर भी दोनों पार्टियों की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। दोनों पार्टियों के द्वारा बनाई गई संयुक्त अभियान समिति साझा अभियान रणनीति चलाएगी, तो ये आपको कॉपी मिलेगी और इसके ऊपर 4 लोगों के हस्ताक्षर हैं। चौधरी धर्मपाल मलिक जी का है, मेरा है, डॉक्टर हर्षवर्धन का है और कृष्णपाल गुर्जर का है। डॉक्टर हर्षवर्धन उस पर प्रभारी थे हरियाणा के, कृष्णपाल गुर्जर प्रधान थे। तो आपके नॉलेज में, आपकी समझ में क्या हिंदुस्तान के इतिहास में कोई डॉक्यूमेंटेड अलायंस हुआ आज तक जो हमने करके दिया? क्योंकि इन पे भरोसा हमारे को किसी प्रकार का नहीं था। हमने मन से, आत्मा से, सच्ची आत्मा से, पवित्र आत्मा से गठबंधन निभाने का प्रयास किया लगातार 3 साल। पल पल इन्होंने हमारे को नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी चाहे खुद की, हमारी 2 दिसंबर को सिरसा में रैली, स्थापना दिवस रैली थी, रैली हजका की थी, फिर भी हमने सुषमा जी को, गडकरी साहब को बुला के सम्मान दिया हमारी रैली के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में। फिर हमारी पिछले साल हिसार में रैली थी, हजका का स्थापना दिवस था, उसमें अरुण जेटली साहब को बुला के हमने सम्मान दिया। रथ यात्रा हमने शुरू करी, उसमें मुरली मनोहर जोशी जी को हमने मुख्य अतिथि के सम्मान दिया। यात्रा हमारी है, रैलियां हमारी है, सब कुछ हमारा है, फिर भी हमने धर्म निभाया। रथ के ऊपर 9 फोटो लगे, 7 बीजेपी के, हमारे सिर्फ 2। रैलियों के अंदर फोटो लगे, 7 बीजेपी के, 2 हमारे। और इनकी मंशा अलायंस के शुरू होने कुछ दिन के बाद इतनी हुई, कई जगह हमें रोका टोकी भी। हमारे जो समन्वय समिति के चेयरमैन है मलिक साहब ने भी करने का प्रयास किया कि भाई चौधरी भजनलाल जी के फोटो लगनी रहे जगह पे, हमारे 2 ही फोटो लगते हैं, आपका तो हमारे लगाते नहीं। वो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद इनका मेन जो इनका रुख हमें सामने देखने को मिला वो आया रेवाड़ी रैली जब मोदी साहब की हुई। चैलेंज करता हूं, मुझे साबित करके दिखाए भारतीय जनता पार्टी की, क्या रेवाड़ी रैली में मुझे आमंत्रित किया गया था कि नहीं? मोदी साहब की रैली में मुझे उस रैली में आमंत्रित नहीं किया गया था, उसके बावजूद मैं रैली के अंदर गया कि भाई हमारे नेता पहली बार हरियाणा में आ रहे हैं और मैं अलायंस का हेड हूं, तो मेरा जाने का धर्म बनता है। मैंने फोन किया, रामविलास शर्मा जी से बात हुई, प्रभारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपका आमंत्रित तो नहीं, पर आप आएंगे तो आपको सम्मान पूरा दिया जाएगा। मैं वहां गया हूं, आपने टेलीविजन देखे, मुझे बिल्कुल आखिर में बिठाया गया, ना मुझे बोलने का मौका दिया गया, यहां तक कि मोदी साहब ने मेरा नाम तक नहीं लिया अपने संबोधन में। हमने फिर भी गठबंधन का धर्म निभाया। उसके बाद मोदी साहब की इतनी रैलियां, उससे पहले मैं और कई धर्मपाल मलिक जी जाके सुषमा स्वराज जी से मिले। जब लोकसभा का रिजल्ट आ गया, बीच की बातें मैं नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, हम सुषमा स्वराज जी को जाके मिले। हमने कहा जी लोकसभा की सीटों का बंटवारा की कोई बात होने, बंटवारा कर लें हम, सोनीपत की बात हम करने वहां पर गए थे, तो साफ तौर पे उन्होंने कहा सुषमा जी ने कि सोनीपत सीट तो हम किसी को दे चुके हैं, अब आप
बताइए बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या गठबंधन का धर्म है कि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो या आप किसी और को सीट बुक करके हो? उसके बावजूद भी हमने गठबंधन का धर्म निभाया। करनाल सीट की बात है, मुझे कहा कि हमारा बंटवारा हुआ, सीट करनाल हमारी और हिसार हमारी, बाकी 8 सीटें उनकी। 82 का करनाल सीट का हो गया, सब अखबारों में आ गया, सब जहाँ आपने सब लिखा है इसमें। मैं चौधरी विनोद शर्मा जी से मुलाकात मेरी हुई, मैं इनसे जाके मिला, हमने कहा हमें सशक्त मजबूत कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण डोमिनेटेड सीट है, इनका कद बहुत बड़ा है हरियाणा पंजाब नॉर्दर्न इंडिया में। तो इन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में कहा कि बिल्कुल मैं वहाँ से चुनाव, अगर आप आए हैं तो चौधरी भजन लाल जी के साथ मेरा भाइयों वाला रिश्ता रहा है, तो आप मेरे बेटे की तरह हैं, तो मैं अवश्य, काफ़ी मीटिंग हुई, फिर इन्होंने एग्री किया। उसके बाद सुषमा जी का फ़ोन मुझे आता है कि विनोद शर्मा जी को आप हल्का में ले नहीं सकते हैं, काफ़ी गर्म फोन मुझे आया। अब हरियाणा जनित कांग्रेस पार्टी में कौन शामिल होगा इसका फैसला बीजेपी नहीं करेगी, हल्का करेगी। हमने फिर उनकी बात को, सुषमा जी की बात को, कि उन्होंने कहा कि लाए तोड़ देंगे हम अगर विनोद शर्मा जी आए। अब इतने कद्दावर नेता अगर हमें आशीर्वाद देने पार्टी में आते हैं, उसका अगर वो भी मैं अपनी जबान हल्की करके मना होता हूँ, इससे बड़ा गठबंधन का धर्म कुलदीप बिश्नोई और क्या निभाएगा, ये बात जनता फैसला करेगी। उसके बाद भाई चंद्र मोहन जी का हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हमारी पार्टी में जो वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर हैं चौधरी चंद्र मोहन जी, इनको करनाल से रहना चाहिए, चौधरी भजन लाल जी सांसद रहे वहाँ से। तो हमने चंद्र मोहन जी से बात की, इन्होंने ये थे नहीं उस वक्त, तो हमारी पार्टी ने फैसला किया चंद्र मोहन जी फील करेंगे, मैंने नाम की घोषणा कर दी। फिर मेरे को फोन आता है बीजेपी के प्रभारी का, चंद्र मोहन जी तो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं। मतलब हर चीज़ में मुझे गला घोंटने का मेरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैंने चंद्र मोहन जी से बात की, चंद्र मोहन जी ने बड़प्पन दिखाया अपना बहुत, और कहा कि भाई मेरी वजह से गठबंधन टूटना नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ, गठबंधन हमें सरकार बनानी, प्रदेश में अच्छी सरकार दे सके। इन्होंने बड़प्पन दिखाया, खुद अपना नाम विड्रॉ कर लिया। हम कैंडिडेट का चयन कर रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट को टिकट यहाँ से दी जाए। मुझे फिर फोन आता है शाम को कि जी आपको तो हम सरता सीट दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला कर लिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला कर लिया, सीट डिक्लेयर हो गई, कैंडिडेटों की बात आ रही है आखिरी दिन शाम को। अब कहते भी गठबंधन तोड़ देंगे सुबह तक अगर आपने करनाल सीट सरता सीट ना ली, हमें जबरदस्ती सरता सीट दीजिएगी जो बीजेपी की हारने वाली सीट। हमने फिर गठबंधन को निभाया, हमारी चूक कहाँ है मैं बीजेपी से पूछना चाहूँगा। उसके बाद हिसार पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, मोदी साहब की रैली मैंने नहीं मांगी, खुद उनका फोन आया साजिश के तहत कि भाई नरेंद्र मोदी जी रैली करना चाहते हैं, आप रैली का समय दीजिए, 5 तारीख का समय दिया, रैली की जगह बताइए। मैंने कहा रैली कैंसिल, कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीता हुआ है, अगर रैली कैंसिल होगी किसी प्रकार से तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा हिसार के अंदर। उन्होंने कहा मोदी साहब ने खुद कहा है, बहुत मेरे पास ईमेल्स पड़े आए हुए, गुजरात से कॉन्फर्मेशन है, दिल्ली हेड ऑफिस से कॉन्फर्मेशन है, हर जगह से कॉन्फर्मेशन होने के बाद मेरे मुंह से अनाउंस कराया गया कि मोदी साहब की रैली 5 तारीख की आपकी फतेहबाद के अंदर। भाई बूढ़ा राम जी ने ग्राउंड भी बुक कर लिया, वहाँ पे तैयारियाँ सारी होगी, 7 तारीख की रैली थी। और मुझे 5 तारीख को फोन आता है कि मोदी साहब तो नहीं आ पाएंगे, हमने पूरा प्रचार कर दिया, प्रसार कर दिया। मैंने कहा मैंने आपसे मांगा नहीं था, मैंने आपसे कोई डिटेल मांगी नहीं थी, अब मैंने रैली मांगी नहीं थी आपसे। इन्होंने कहा जी मोदी साहब नहीं आ पाएंगे, अरुण जेटली साहब आ जाएंगे उसके अंदर। जब 5 तारीख को सुबह, हमने 5 तारीख और 6 तारीख दोपहर तक अरुण जेटली साहब का प्रचार कर दिया। 6 तारीख को 12:10 पे फोन आता है कि अरुण जेटली साहब तो चुनाव लड़ रहे हैं जी, वो भी नहीं आ सकते। तो कहां अन्याय मेरे साथ नहीं हुआ है, हमारी पार्टी के साथ नहीं हुआ है। और यहां तक कि जब मैं सोनीपत के लिए डॉक्टर सुशील इंदौरा का नॉमिनेशन भरने जा रहा था, सुशील कुमार इंदौरा जी सिरसा जा रहा था नॉमिनेशन के लिए, तो मेरे पास राजनाथ जी का खुद का फोन आया कि जी हमारी दुग्गल कैंडिडेट सीमा दुग्गल है, आप सीमा दुग्गल है, इनको आप नॉमिनेट अपना कैंडिडेट बनाइए सिरसा से। दुग्गल है, आप हमें नाम जानते ही उनका। तो राजनाथ सिंह नेशनल प्रेसिडेंट फोन करते हैं कि जी आपके सिंबल पे आप इसको टिकट दो सिरसा से। मतलब एक हद होती है किसी आदमी को दबाने, किसी आदमी का गला घोंटने। हमने कहा कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उन्हें तैयारी कर ली, हमारे सारे लोग वहाँ खड़े, मैं नॉमिनेशन पे जा रहा हूँ। इस रैली के दौरान बादल साहब को रोका नहीं गया। बादल हिसार में आके ये भाषण देता है कि भाई 16 तारीख को नतीजा आएगा, 17 तारीख को हम ये दुष्यंत को मंत्री बनवा दूंगा मैं। हू मिस्टर बादल टू मेक मिनिस्टर, इज नॉट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी एक आम कार्यकर्ता ने, नेताओं को छोड़ दो, क्या किसी एक कार्यकर्ता ने भी उस बात का खंडन किया कि बात गलत है? आज अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में आके कह गए कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी की सरकार हो जाएगी। ये बात इनको हिसार वाले मेरे चुनाव में याद क्यों नहीं बोलने के लिए? उस वक्त बीजेपी के लोगों ने चौटाला के खिलाफ क्यों नहीं बोला?
आज कैप्टन अभिमन्यु कहता है कि मोदी के नाम पे दो सीटें ओम प्रकाश चौटाला ले गया, इस बात का प्रमाण करता है कि बीजेपी ने मदद की सार के चुनाव में। बीजेपी का जिला पूर्व जिला प्रधान की वाइफ डोर टू डोर घूम रही अजय चौटाला की वाइफ के साथ, कैप्टन अभिमन्यु के भाई और भतीजे घूम रहे अजय चौटाला के लिए वोट मांगते हुए, बीजेपी का कार्यकर्ता वोट मांग रहा है ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के लिए, कांग्रेस है, बीजेपी है और चौटाला है, तीनों ने मिलकर मुझे धार में आया, ये इस बात के संकेत सबूत मैंने आपके सामने रखे। हमने फिर भी धर्म निभाया करो, हमारी इनको सिर्फ सिंपल सोच थी कि कुलदीप को ये दोनों सीटें हरा दो ताकि कुलदीप बिश्नोई कमजोर हो जाए और तुम स्थापित हो जाओ, जो इनका इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि रीजनल पार्टी के नेताओं का इस्तेमाल करो, उनके बलबूते पर अपने आप को मजबूत करो और फिर उन्हें खत्म करने का काम करो। ये उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन हम ये चौधरी भजनलाल जी की बनाई हुई पार्टी, हम खत्म होने वाले लोग नहीं है, जनता हमारे साथ है। इस चुनाव के नतीजे के जब एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट की कॉपी मैंने पढ़ के सुनाई, इसमें कहीं लिखा हुआ है कि भाई बाई इलेक्शन की भाई लोकसभा के चुनाव के नतीजे के बाद जो समीकरण बनेंगे उसके आधार पर आगे सीटों का रीनेगोशिएशन होगा। इसके अंदर लिखना चाहिए इस एग्रीमेंट के अंदर कि पहले बाई इलेक्शन के बाद रीनेगोशिएट करेंगे या और बाय इलेक्शन होंगे उसके बाद रीनेगोशिएट करेंगे या पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद रीनेगोशिएट करेंगे। इसमें क्लियर 8 साल का एग्रीमेंट है ये कि हम अभी और विधानसभा चुनाव तक हम कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री बना के हम साथ रहेंगे। तो ये धोखा कौन कर रहा है? चौधरी धर्मपाल मलिक जी ने बार बार रिक्वेस्ट भेजी कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुला ली जाए, हम आगे बढ़े हैं सही, इन्होंने हमारे को जंगल में छोड़ दिया, बीच में बताया नहीं रास्ता कहाँ जाना है। हमने 3 महीने हो गए सारे ने, रामविलास शर्मा से मेरी मुलाकात हुई, कृष्णपाल गुर्जर से मेरी मुलाकात हुई, जगदीश मुखी से मेरी मुलाकात हुई, अनिल जैन से मेरी मुलाकात हुई, सभी जगह मेरी मुलाकात होकर उनको सारी बातें बता चुका कि आप धोखा कर रहे हैं, धोखा देने की सजा जनता हरियाणा की देगी। उसके बाद अमित शाह साहब से मेरी, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की जगह उन्होंने निर्धारित की, बीजेपी ने समय उन्होंने निर्धारित किया, हमारे सारे मेंबर पहुंच गए, उनकी तरफ 2 आदमी आए, कृष्णपाल गुर्जर जी और रामविलास शर्मा जी। तो इनकी मंशा लोकसभा के चुनाव के खिलाफ थी, हमारी मंशा शुरू से साफ थी। अगर मेरी मंशा खराब होती तो उपचुनाव जब नतीजा का जमानत जब्त हुई बीजेपी की, मैं उस वक्त कह सकता हूँ कि भाई आपकी जमानत जब्त हुई, हम आदमपुर भी जीते हैं, हिसार भी जीते हैं, इसलिए हमारा लोकसभा के अंदर भी 5-5 या 7-6 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और यहाँ 60-30-70 होना चाहिए, मैं भी कह सकता था। लेकिन क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग नहीं है, चौधरी भजनलाल जी की बनाई पार्टी है, हम लोग धोखा खा सकते, धोखा दे नहीं सकते किसी हालत के अंदर। हमने धर्म फिर भी निभाया कि नहीं, जो हमने जबान दी है, एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुए हैं, क्या इस पे हम अमल करने वाले लोग। अमित शाह से मुलाकात मेरी 2 दिन पहले हुई, तो उसके बाद बीच में ये भी आई, कुलदीप बिश्नोई नरेंद्र मोदी जी की रैली में नहीं आया। अरे मैं एक रैली में गया, तुमने मेरा इतना अपमान करके वहां से भिजवाया, कौन सी रैली में आमंत्रित किया मुझे? किसी रैली के अंदर मुझे बीजेपी ने इन्वाइट नहीं किया, चाहे वो मोदी साहब की रैली थी, चाहे वो सुषमा जी की रैली थी, चाहे वो राजनाथ जी की रैली थी, मुझे किसी रैली में इन्वाइट नहीं किया। उसके बावजूद भी एक रैली में जो धर्मपाल मलिक जी गए, एक में जय सिंह राणा जी गए, राकेश जी गए, एक में रेणुका को मैंने भिजवाया, एक में हमारे नरेश यादव जी गए, मैंने फिर भी मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रैली में भिजवाया ताकि हमारा फेस सेविंग हो जाए, कि हमारी वजह से कहीं लांछन ना लगे, नुकसान ना हो, जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये बातें आपको इसलिए भी समझाई हैं कि पग पग पल पल धोखा हुआ हमारे साथ, फिर भी हमने गठबंधन आज तक निभाते रहे कि किसी कहीं ना कहीं इनकी धोखेबाजी की फितरत तो बदलेगी। अमित शाह साहब को मिला, उतनी मैंने क्लियर बात उनसे करी, बड़ी मीठी मीठी बात करके मुझे उन्होंने भिजवा दिया। क्लियर कट बात उनको मैंने कहा कि ये इस एग्रीमेंट को ऑनर आपको करना चाहिए और हम हरियाणा दलित कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं, आज भी हमारा वजूद उनसे कहीं ज़्यादा। लोकसभा चुनाव के अंदर 80% गाँव में इलाकों में हरियाणा दलित कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ठेले पकड़े हैं बीजेपी के, एजेंट ही इनके पास, कैंडिडेट ही कौन एजेंट दूर की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी 5 कैंडिडेट इनके कांग्रेस पार्टी के उधार के लिए भी एंट्री बना के रखे हैं, जब लोकसभा में कैंडिडेट नहीं, विधानसभा में कहाँ से कैंडिडेट आ जाएंगे इनके पास। हमारा क्लियर फैसला है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने 6 बार धोखे किए हैं, इनकी फितरत आज भी नहीं बदली और हम जवाबदेह हैं हरियाणा प्रदेश की जनता से, क्योंकि जनता को मैंने जैसा पहले कहा कि मैं एक स्वच्छ सरकार देना चाहता हूँ, ईमानदार सरकार देना चाहता हूँ। तो हमें सबने ये फैसला किया कि भाई जो आदमी इतने लोगों को धोखा दे सकते हैं, मुझे भी, देवीदास जी को, बंसीलाल जी को, चौटाला को, भगवतीलाल शर्मा जी को, तो वो जनता कैसे भी जनता का धोखा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी। तो जनता के हित में, जनहित में क्लियर कट हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि टुडे वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द अलायंस विद बीजेपी, हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं
जो जो धोखेबाज पार्टी हो, जो जनता के साथ अन्याय करे, जो धोखा दे। हरियाणा एक कुरुक्षेत्र की धरती है, न्याय वाली धरती है, न्याय 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 देने वाली धरती है, जहाँ न्याय और अन्याय का युद्ध हुआ है, हमेशा न्याय की जीत हुई। हमारी पार्टी का गठन भी अन्याय के खिलाफ हुआ था, न्याय के लिए। आज भी हम जनता के दरबार में जा रहे हैं न्याय मांगने, आपके माध्यम से, कि जनता फैसला करे कि एक धोखेबाजों के साथ जिन्होंने जिन्होंने हमारे साथ जो किया उन पर भरोसा करेगी, या हमारे ऊपर जिन्होंने संघर्ष लंबा किया आंध्र प्रदेश की जनता के लिए। एक तो हमारा ये रहा, दूसरा हमारा आज दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिन हमारा साहब, जैसा मैंने कहा, ये रहा कि एक धोखेबाज पार्टी को जनता सबक खेल के दरबार में हम जाएंगे। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, मेरी काफ़ी समय से आदरणीय विनोद शर्मा जी से मुलाकात हो रही है, उनसे बातचीत चल रही थी कि भाई हमें हमारे वोटों का विभाजन नहीं होना चाहिए। आपका बहुत बड़ा कद है, आपका बहुत बड़ा रुतबा है, और पिताजी के जाने के बाद हमें एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है। चंद्रमोहन जी थे, मलिक साहब सारे हमारे सीनियर, दुड़राम जी बैठे हैं, हमें एक बहुत सीनियर मार्गदर्शक जी की जरूरत थी, और इसलिए इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। इनका बड़प्पन है कि भाई चौधरी, तो मैं हमेशा मेरे आशीर्वाद का हाथ तेरे सिर पे रहेगा चौधरी साहब की तरह। और आज हमारी मुलाकात होने के बाद हमारी दोनों पार्टियों ने ये फैसला किया कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी और हरियाणा जन चेतना पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, हमारा अलायंस रहेगा, और मॉडरिटीज क्या रहेंगे वो आने वाले समय में आपको बताएंगे। और मैं समझता हूँ ये अलायंस एक मजबूत अलायंस है हमारा, जो एंटी करप्ट लोगों के, एंटी गुंडा तत्व लोगों के और एंटी धोखेबाज लोगों के हमने एक ईमानदार अलायंस किया है, और मैं समझता हूँ जनता हमें अवश्य आशीर्वाद देगी। आप सुन रहे थे हरियाणा जनहित कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई को, जिन्होंने अब यहां पर यह साफ कर दिया है कि भाजपा के साथ अब किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। इस बीच लेकिन उन्होंने कई सारे जो तमाम आरोप है वो बीजेपी पर लगाए, धोखा देने का आरोप लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा कि उन्होंने हमको दबाने की कोशिश की, और बीजेपी का ये एक इतिहास रहा है कि वो फायदा उठाने की कोशिश करती है, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज जो हैं, उनका फायदा उठाती है और फिर उसे दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन अब जब आगे लड़ेंगे तो वो हरियाणा जन चेतना जो पार्टी है उसके साथ मिलकर लड़ेंगे।